क्या पसंद होता है वो से देखते भी तक था। फ्लिपकार्ट का मस्ट मस्ट हैव परचेज रहा है, 198 रुपीज का। माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, लेट मी ओपन इट। और ये ओनली रहने वाला है ओनली 5 प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि आपके पास जरूर होने चाहिए। इफ यू आर टीनेजर और इफ यू आर लाइक बिगनर, तो आपको ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जिसमें आप हल्का फुल्का मेकअप किया, टचअप किया एंड देन उसके बाद आप जा सकते हो आराम से। एंड टीनेजर्स के साथ तो ये रहता है कि वो मेकअप ज्यादा पसंद नहीं करते, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि हमें डेली बेसिस पे यूज करना पसंद हो जाता है, लाइक लिपस्टिक, लाइनर्स, ब्ला ब्ला। तो हम ज्यादा चीजें यूज ना करके सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही यूज करते हैं। तो मैं आपके साथ वही 5 प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो आपको डेली बेसिस पे अगर आप मेकअप करना पसंद करते हो और आपको लगता है कि हाँ यस आई लाइक मेकअप, तो आप इनको यूज कर सकते हो। और मोस्टली तो आजकल ये ट्रेंडी चल गया है कि अगर कोई भी टीनेजर है या फिर कोई भी बिगनर है वो सब मेकअप करना पसंद करते हैं, अगर चाहे उनको टिकटॉक वीडियो बनानी हो, उनको किसी और वीडियो की बनानी हो या फिर उनको ऑब्वियसली कहीं जाना हो बाहर, तो उसके लिए भी उनको मेकअप बहुत 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 पसंद आता है। सो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये छोटी सी एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट की बात करूंगी जो आपके पास होनी चाहिए। तो बातें खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज जो आपको जरूर बाय करना चाहिए और आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में जरूर ऐड होना चाहिए, दैट इज एलेगर्ल प्रो कंसीलर। बेसिकली ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीज क्यों ऐड की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ क्या होता है कि मेरे फेस पे काफी सारे पिंपल्स के स्पॉट्स हैं और मुझे, मैं कभी भी अगर यूज करती हूँ कोई भी बीबी क्रीम या फिर कोई फाउंडेशन तो मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है क्योंकि वो फिर भी मेरे स्पॉट्स दिखते रहते हैं। सो मैंने सोचा, मैं मोस्टली अब यही यूज करती हूँ कुछ टाइम से और मुझे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके डार्क सर्कल्स, आपके फेस पे कोई भी किसी भी तरीके का स्पॉट हो या फिर आपको पिगमेंटेशन का इशू है, आपके फेस पे स्पॉट्स आ गए हैं या फिर पैचेस बने हुए हैं आपके फेसेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, बीबी क्रीम या फिर किसी फाउंडेशन को यूज करने से पहले इस ऑरेंज पीच करेक्टर को यूज करें एंड देन उसके बाद आप कोई भी बीबी क्रीम या फिर अपना कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपका फेस बिल्कुल इवन दिखाई देगा, कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि अनइवननेस आपके फेस पे दिख रही है। सो बेसिकली अगर आप ये एलेगल का प्रोडक्ट प्रो कंसीलर अगर आप नायका से या किसी और भी वेबसाइट से अगर बाय करते हैं तो ये आपको अप्रॉक्स 399 या 400-450 के करीब का आपको मिलेगा, बट मुझे फ्लिपकार्ट पे 185 रुपीज़ का मिला है, दैट्स इट। आप, मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 185 का मिला है। यू कॉन्ट बिलीव, अभी सेल में मुझे मिला और अभी भी ये स्टिल ऑफर चल रही है। अगर आप चाहते हैं इसे परचेज करना तो आप बिल्कुल बिल्कुल बाय करें। इस मेनली न्यूयॉर्क का द हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। बेसिकली ये मस्कारा मैंने इसीलिए ऐड किया इसमें क्योंकि टीनेजर्स के साथ क्या होता है या किसी भी बिगनर्स के साथ क्या होता है, सबको मोस्टली, मैंने ये फेस किया क्योंकि मैं भी इस फेस से रही हूँ तो मुझे भी ये आइडिया है कि ऐसा होता है कि अगर हम कभी भी लाइनर लगाने बैठते हैं, हमें जल्दी से कहीं भी इंस्टीट्यूट जाना है या फिर हमें कॉलेज जाना है, कहीं पे भी अगर हमें शॉर्ट पीरियड में हल्का सा मेकअप करना है, टचअप करना, हम लाइनर लगाने बैठते हैं तो फिर खराब ही कर देता है लाइनर। इससे अच्छा आप लाइनर को अवॉइड करके आप सिर्फ और सिर्फ मस्कारा लगा के भी जाओगे ना, आपकी आईज इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको खुद फील होगा कि यार बस बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इससे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं आई मेकअप की। ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहती है। और मैं इसकी बात करूँ कि इसका वॉन्ट कैसा है, तो आई मस्ट से इसका वॉन्ट आप चेक कर देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। इससे इतना अच्छा, अगर आपके आई लैशेज ज़्यादा भी नहीं है, आपके आई लैशेज कम है, आप इसके सिर्फ 2 कोट्स लगाओ और आपके आई लैशेज इतनी 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 प्यारी लगेगी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करके देखा है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं जब कॉलेज आती थी तो मैं क्या करती थी, मैं लाइनर पे टाइम वेस्ट नहीं करती थी, मैं ओनली ये लगा के और निकल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे इस प्रोडक्ट में भी, इस हॉल में भी शेयर कर दूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट से अगर परचेज करते हैं तो आपको अप्रॉक्स की 350 या
400 के करीब का मिलेगा। बट अगर आप ये फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, वो भी अभी क्योंकि सेल्स अभी उसमें चलती रहती हैं, तो ये आपको ओनली 198 रुपीज़ का मिलेगा। यू कैन बिलीव गाइस, 198 रुपीज़ का। मैंने सिर्फ के और सिर्फ 198 रुपीज़ इसके लिए दिए। बस इसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बुरी लगी, इन्होंने मेरे से शिपिंग चार्जेस लिया 198 में भी, तो ये इंक्लूडिंग है 198 में, तो डोंट वरी। सो मैं इसकी इमेज आपको साइड में दे दूंगी। और इस लैक्मे फॉरएवर का मैट लिप कलर, बेसिकली ये कलर है इन द शेड न्यूड पिंक। ये बहुत 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 प्रिटी कलर है गाइस, आई मस्ट से। अगर मैं इसको हल्का सा भी स्पॉच करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये अगर हल्का सा भी आप लिप्स पे लगाते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। यू कैन सी दैट, इतना प्यारा है आपके फेस पे। अप्रॉक्स ये 6 hours to 8 hours आपके लिप्स पे स्टे करेगा ये, और आपके लिप्स को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। ऐसा फील नहीं होगा आपको कभी भी कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है कुछ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटमेंट आपको तब आएगी जब आप कोई ऑयली प्रोडक्ट खाओगे। अगर आप ऑयली चीज़ खाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ऑयली चीज़ इफेक्ट करती है आपके लिप्स पे, और फिर आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी तो डिसमैटिफाई हो जाती है। और ये मैट कलर है, और ये आपको, ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स, ये अगर आप किसी और वेबसाइट से अगर लेते हैं तो ये आपको 400-300 के करीब का पड़ेगा। नायका पे मैंने देखा था ये 300-299 के करीब का था, और मैंने यहाँ पे इसे परचेज किया ओनली 150 में, 50% ऑफ। यू कैंट बिलीव, लैक्मे कभी भी इतना ऑफ नहीं देता, बट मुझे ऑफ मिला है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी खरीदें। और ये आपके आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में ज़रूर ऐड होना चाहिए। आप चाहें तो कोई और कलर्स भी ले सकते हैं, बट ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। मैं मोस्टली ऑफिस में या फिर अगर मुझे कहीं पे भी नॉर्मली कहीं जाना होता है तो मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट। और एक मस्कारा लगाया, इज एली गर्ल का ही कंसीलर, बट इन द शेड वो आपको ऑरेंज कलर का था, और ये इन द शेड पीच है। बट इसमें इतना ही डिफरेंस है कि अगर आप ऑरेंज करेक्टर नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप ये वाला करेक्टर बाय कर सकते हो। ये आपके अंडर आई, ये भी वही सिमिलर काम करता है, बट डिफरेंस इतना आता है। इसका वॉन्ट और उसका वॉन्ट में बहुत डिफरेंस है। अगर आप बहुत अच्छा HD मेकअप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इन दोनों को ज़रूर यूज़ करो। और आप चाहते हो कि नॉर्मल बेसिस पे मुझे दोनों में से कोई भी एक चॉइस करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करो। ये काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस थोड़ा सा उससे हाई मिला है मुझे, बिकॉज ये अप्रोक्स हर वेबसाइट पे आपको वही 400-450-300 ये रेट पे चलता रहता है, बट ये मुझे यहाँ पे मिला है अप्रोक्स 224 रुपीज़ का, जो भी है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है इसका अमाउंट। मैं इसको यहाँ पे इमेज दे दूँगी आपको, सो यू कैन सी दिस। प्रोडक्ट मैंने इसलिए ऐड किया है इस मस्ट हैव में, बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। कहीं और वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ये आपको 400-450 का ही मिलेगा, बट क्योंकि ये अमाउंट इसका सफल होता रहता है। बट अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो तो फ्लिपकार्ट में आपको 200 के अंडर मिलेगा, अगर शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग ना हो तो। और शिपिंग चार्जेस में इंक्लूड है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-30 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं, दैट्स इट। बट फिर भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर मैं बात करूँ कि मैं ये चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसको किस तरीके से परफेक्ट वे में आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी टीनेजर, अगर आप मेकअप करना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते, कोई बीबी क्रीम लगाना पसंद नहीं करते, या फिर आपको कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, समर्स में फाउंडेशन काफ़ी हैवी हो जाता है, और बीबी क्रीम भी क्या होता है, स्वेटिंग आती है, तो वो ज़्यादा बहुत अजीब लगता है और अनइवन स्किन लगती है, आपकी नेक और आपका फेस बहुत डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो आप नॉर्मली कंसीलर, कोई भी अच्छा कंसीलर, मैं ये नहीं कह रही कि आप एलेगल का यूज़ करो, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि आप एलेगल का ज़रूर यूज़ करके एक बार ट्राई करें। आई मस्ट से कि आप दोबारा ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं मुझे कि आप लोगों को ये कैसा लगा। इसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके 1-2 पैचेस ख़त्म कर चुकी हूँ मैं ये। और मैं ये ओनली क्या करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ फटाफट, और मैंने फटाफट एक लिपस्टिक लगाई, कंसीलर फेस पे लगाया हल्का हल्का जहाँ पे मेरे को स्पॉट्स करेक्ट की अप्लाई करना है। आपको नॉर्मली करना क्या है, आपको जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं उन पे अप्लाई करो, और दैट्स इट, यू कैन गो नाउ, दैट्स इट, आपका काम खत्म। उससे ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मेकअप पे, वो भी सुबह सुबह इतनी जल्दी। नाउ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरा अभी तक का फ्लिपकार्ट का मस्ट हैव परचेज रहा है, और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर परचेज करो, बिल्कुल आप लोगों को ये एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सी व्हाट आई हैव,
actually I have Fit Me Matte Poreless Foundation. Yes. And next is obviously जो मेकअप करना पसंद होता है वो उसे देखते पहचान जाते हैं, दैट इज गार्नियर का मिसेला क्लीनिंग वाटर. अब ये दोनों साथ में क्यों आया आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो बेसिकली मुझे ये दोनों ऑफर में मिले हैं, एक के साथ एक फ्री. अब ये थोड़ा सा मुझे और लगा जब मैंने वेबसाइट पे चेक किया, तो मुझे लगा कि अगर फिटमी का फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली 400, 500, 600 के करीब का ही पड़ता है, ठीक है. और अगर मैं मिसेला वाटर की बात करूँ तो ये भी ऐसे अप्रॉक्स 175 इसकी MRP है, तो 175 का ये पड़ेगा. तो अगर मैं इसकी इंडिविजुअल बात करूँ तो 750-800 तक का ये अमाउंट पड़ेगा, अगर मैं कहीं भी नॉर्मल शॉप से ही परचेज करती हूँ, किसी और वेबसाइट से ही परचेज करती हूँ. तो बट जब मैंने इसे देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि क्या देख लिया मैंने, ये दोनों के दोनों ओनली 530 rupees में मुझे मिले हैं. बिकॉज ये फाउंडेशन, इसके साथ ये मिसेला वाटर फ्री मिला है मुझे. सीरियसली अगर आप, मैं बात बताऊँ तो मैं, अगर आप ये परचेज करना चाहते हो, अगर मिसेला वाटर आप चाहते हो कि मेरे मेकअप प्रोडक्ट में हो, ऐड हो, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट ज़रूर साथ में आप यूज करें, साथ में बिल्कुल परचेज कर सकते हो आप, क्योंकि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ उसको परचेज करके. अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो ये अकेला 549 rupees का है फिटमी फाउंडेशन, एंड इसकी MRP की बात करूँ तो ये है 175 rupees का. मोस्टली MRP पे मिलते हैं 1 या 2 rupees आपको लेस मिलेगा, क्योंकि गार्नियर और मेबलिन के प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता. बट जब मैंने ऑफर देखा तो मुझे लगा ये तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही करना है. अगर जिनको जो ये परचेज करना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल परचेज करो. और मैं बिल्कुल कहूँगी ऐसा नहीं है कि ये नकली है या कुछ ख़राब आया, इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ आया था ये कि ये बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं हुआ. और यू कैंट बिलीव, मैंने आज ऑर्डर किया और मतलब लाइक उसके नेक्स्ट डे ही आ गया था. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे प्रोडक्ट्स से एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैं इस प्रोडक्ट का एक मेकअप ज़रूर क्रिएट करके दिखाऊँ आप लोगों को. और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैं कहूँगी कि आप इसे ज़रूर परचेज करें. ऐसा नहीं है कि आपको रिव्यू, मैं एक तरीके का आपको रिव्यू ही शेयर कर रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए हैं. तो अभी स्टार्टिंग में जो भी टीनेजर्स या बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट इन फाइव प्रोडक्ट्स पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये 5 products अभी सेल में हैं. दैट्स ऑल फॉर इट गाइस, ये था मेरा फ्लिपकार्ट का मिनी हॉल जिसमें मैंने आपके साथ ओनली 5 products शेयर किए हैं. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं. और अपने चाहने वाले और जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें. अगर वो ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो ये परचेज कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली कहूँगी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी डुप्लीकेट चीज़ है या फिर बेकार है, ओरिजिनल चीज़ ही आपके पास आई है और अमाउंट कम है, बस ऐसा डाउटफुल ना रहे इसलिए मैंने ये आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया था. बाकी मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड स्टे सेफ एट होम, लव यू गाइस, बाय बाय.